उपचुनाव का रंग अब दिखने लगा है। सागर जिले की सुर्खी सीट पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी ने नाटकीय अंदाज में जहां एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पड़े, तो वहीं दोनों ने ही पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जमकर कोसा। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले विकास कार्यों के नाम पर सुर्खी में बीजेपी ने उपचुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिव ज्योति की जोड़ी ने जैसीनगर में करोड़ों रुपयों के कार्यों का भूमि पूजन किया। यहां दोनों की जोड़ी ने सिंधिया समर्थक और प्रदेश शासन में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान कर्ज माफी और अन्य योजनाओं को लेकर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। भयंकर भयंकर परिवर्तन की सरकार स्थापित हुई, जहां अभिलाषा थी 15 महीने में लकीर खींचने का, विकास और प्रगति का, शिवराज सिंह जी की तरह वहां विकास प्रगति की लकीर तो नहीं खींची, लेकिन भ्रष्टाचार और व्यापार की लकीर खींची। आज ये लोग कहते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत गद्दार है, आज ये लोग कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, आज ये लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान नालायक है। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कहा था कि किसानों का ऋण माफी होगा 10 दिन के अंदर, और अगर 10 दिन के अंदर ना हो यार, सुर्खी में भी सभा हुई थी 10 दिन के अंदर, पर्चे बंटवाए, सर्टिफिकेट बंटवाए, छूट के 10 दिन क्या 10 महीने में भी किसान का फेर हो गए, नए घर में चले गए, एक साल भी गया। खाना ना खाली है, आते ही हर एक बच्ची के खाते में राशि इस कमल की सरकार ने पहुंचाया है। नौजवानों को कहा था चिंता मत करो, हर बेरोजगार नौजवान को 4,000 रुपया बेरोजगार भत्ता दिलवाएंगे। यार लेकिन जैसी नगर में मुझे बताओ क्या किसी नौजवान को मिला? ये कमल की सरकार मध्य प्रदेश के नौजवानों को यह अधिनियम पारित किया है कि सरकारी नौकरियों पर मध्य प्रदेश के नौजवानों को पहला हक दिया जाए। वहीं अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस सरकार का मंत्री जनता से कहे कि मेरी सरकार अवैध उत्खनन रोक नहीं सकती, तो फिर ऐसी सरकार का क्या औचित्य है? क्यों चलाया? और स्वयं उस सरकार का मंत्री स्वयं कहता है, मध्य प्रदेश की जनता से मैं माफी मांगता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार आगे तो खनन रोक नहीं पाई। अरे भैया, अगर तुम्हारी सरकार रोक ना पाई तो तुम्हारी सरकार तो सरकार में रहने का औचित्य नहीं। इसलिए आज शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में मुखिया का दायित्व निभा रहे। वल्लभ भवन का वैसे तो शिवराज सिंह जी से मैंने आपने किया, फीता काटने के लिए कोई और पहुंच गए। असली हक इनका था
इसलिए उस किसान विरोधी सरकार और भ्रष्टाचार की सरकार को धूल चटाकर असली हकदार शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करके आपके विकास और प्रगति के द्वार खोलने का कार्य हम लोग ने साथ में मिलकर किया है मेरे भाई और बहनों। और यदि विकास और प्रगति की श्रृंखला जैसी नगर में महिला समूह जल योजना जो कल्पना नहीं की थी किसी ने कि स्वीकृत हो सकती है 342 करोड़ रुपए की। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि लड़का कोई और दिखाया और शादी किसी और से करवाई। वहीं मुख्यमंत्री ने कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों की परेशानी को लेकर कहा कि मैंने कई दफा कहा कि कमलनाथ जी किसानों से मिल तो लीजिए, लेकिन मिलने की बजाय वो बैठे रहे। गीत कोई के गवाए, बारात कोई की निकलवाई, लेकिन जब घोड़ा पे बैठ के दूल्हा पहुंचा दरवाजे दुल्हन के तो फेरे कोई और के पार दिए। मैं भी कहता था जब मैं मुख्यमंत्री था मैं तो सोचे नहीं था कि फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन पिछली बार जब बार प्रसाद पहुंचे खराब हुई तो हमें समझ आया नहीं था किसान के खेत में एक आधार तो चले जाओ। वहीं सुर्खी से भाजपा उम्मीदवार और शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक मंच पर आकर एक कल्पना को हकीकत में बदला है। हमारे चुनाव में महाराज सिंधिया जी का आगमन हुआ, पर हम लोग सोचते थे कभी कभी एक कल्पना करते थे कि शायद एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन लोग कहते अकल्पनीय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक मंच पर आ जाए, इसका अकल्पनीय काम था। लेकिन विधि को ऐसा मंजूर था, यही वो ग्राउंड है जहां पर कई सभाएं हुई और आज बहुत खुशी की बात है इस पूरे विधानसभा के लिए कि हमारा सिंधिया जी और हमारे आदरणीय नेता शिवराज सिंह जी एक साथ विराजमान। आज मुझे खुशी है, मैंने कई बार इस बात को कहा, इस बात में बढ़ाना। बता दें कि सुर्खी विधानसभा में होने वाली सभा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अब बीजेपी से कांग्रेस का दामन थाम चुकी पूर्व सुर्खी विधायक पारुल साहू ने भी क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हुए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और अब गोविंद सिंह राजपूत के लिए चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। 2013 में सुर्खी विधानसभा में गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से तो पारुल साहू बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर आमने सामने थे। पारुल ने ही गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त दी थी। यही वजह है कि गोविंद सिंह राजपूत कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।